हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आज मेरा रीज़न वही था, मैं उसको उठा के ले गया कि मुझे दिखाना था कि मेरा पेट अग्रेसिव नहीं है। 100-150 लोग खड़े थे यहाँ पे, मैं उनके 20 से उसको उठा के ले गया। अग्रेसिव होता या मेंटली रिटार्डेड होता तो उन पर अटैक करता, और AC में रखा जाता। जिस रूम में हम रहते थे हम उसे अपने रूम में रखते थे, अपने बेड पर सोता था। सर एक नॉर्मल मॉर्निंग की जैसे हम नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, हमारे जो पेट हैं वो भी हमारे साथ ही उठते हैं। मैं अपने जिम के जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, 4:30 पे या 4:40 पे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ घर अपना। तो मैं नॉर्मल निकला, उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास कॉल आया, तो फ़ोन रहता नहीं, कॉल रिसीव करने में देर हो गया, तो डिले हो गया। तो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट कि आपके कुत्ते ने आपकी मदर को काट लिया है। तो मैं घर पहुँचा तो मैं देखा कि बाहर सब भीड़ लगी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, और जो अंदर का सीन था तो वो कुछ अलग ही, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था। तो आनंद फानंद में 112 मिलाया गया था, एम्बुलेंस का वेट करना ज़रूरी समझा नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं थी उस टाइम तक, बहुत देर तक नहीं आई इवन। हमने उनको उठाया, 2-व्हीलर पर लेके बलरामपुर ले गए। बलरामपुर में उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ रेबीज़ का या डॉग बाइट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वहाँ से उन्होंने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जब ट्रामा सेंटर गए तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ थी, डिले होती रही, ब्लड लॉस एक्सेसिव हो चुका था, उससे उनकी डेथ हो गई। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे, घर में इतना बड़ा घर है, फिज़िकल एक्टिविटी में मैं खुद उनके साथ खेलता था। खाने फीडिंग की बात आई तो प्रॉपर जैसे बैठे हुए हैं तो उनमें घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा गया था। और खिलाना भी खिला खाना होता था, तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको, दूसरे हाथ से वो खिलाती थी, या अगर रोटी खा रही हैं तो वो, तो इस तरीके का बॉन्ड था। ट्रिगर वो कैसे हुआ, वो घड़ी घंटी को लेके बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा पैशनेट हो जाती थी कि घर पर कोई आया है, घंटी बजी है, तो उसका था कि सबसे पहले रश करके वही जाएगी लेने। तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है, मेरा अजम्पशन है कि घंटी बजी हो या मम्मी को नहीं हो, मम्मी नहीं जा पाई टाइमली, तो उसने खींचा हो या कुछ किया हो, उसके बाद एग्रेशन आ गया हो। जब मैं रहता हूँ या मैं अब तक जो भी मैंने अभी आपको, मैं आपको फोटो दिखा भी सकता हूँ, जो भी बंदा देखेगा, या आज मेरा रीज़न वही था, मैं उसको उठा के ले गया कि मुझे दिखाना था कि मेरा पेट अग्रेसिव नहीं है। 100-150 लोग खड़े थे यहाँ पे, मैं उनके 20 से उसको उठा के ले गया। अग्रेसिव होता या मेंटली रिटार्डेड होता तो उन पर अटैक करता, किसी भी उसने कुछ नहीं किया। जो मेरे सामने वो बात नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो उनकी एज थी, फाइट करने की कंडीशन वो थी नहीं, और मैंने खुद घाव देखे, हाथ पैर में सीवियर थे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया। मैंने उनको ले गया सीधे, देखने का टाइम नहीं था। अब जो रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स मैं पढ़ूंगा तब देखूंगा, अभी हवा में तीर नहीं चलाना चाहूँगा कि इतने घाव थे उतने घाव थे। कोई कह देगा 25 थे, कोई कह देगा 30 थे, कुछ लोग का ये कहना है कि उसने खाया कुछ नहीं। ये आ रहा था कि खाना उसको कई दिनों से नहीं मिला, इस तरीके की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। खाना डॉग को हमेशा मिलता है, उसको ऐसा कुछ नहीं था, खाना नहीं मिला। जो लोग नहीं, भाई मैंने बताया कि ओनर मैं हूँ, मुझे पता चीज़ों के बारे में, मैं रख रहा हूँ तो उसको खाना क्यों नहीं दूंगा? क्या मैं इतना महंगा कुत्ता अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसका खाना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ? उसकी जो फीडिंग रहती है पूरी रहती थी, दिन में 3 बार खाना खिलाया जाता था उसको, और AC में रखा जाता। जिस रूम में हम रहते थे हम उसे अपने रूम में रखते थे, अपने बेड पे सोता था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।